गाइस, मैं हूं मुदस्सर आर्यन एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल स्टडी सर्कल कश्मीर। आज हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए, चाहे नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये होते हैं रिजर्वड एरियाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये होते हैं रिजर्वड एरियाज फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बट इन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक जो नेशनल पार्क होती है इसकी बाउंड्री प्रॉपरली मार्क होती है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री होती है वो प्रॉपरली मार्क नहीं होती है और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। सो गाइस, नेशनल पार्क इज़ ए रिजर्वड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसकी बाउंड्री प्रॉपरली मार्क होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट्री हो या ग्रेजिंग हो, वो अलाउ नहीं की जाती, जबकि वाइल्ड लाइफ भी एक रिजर्वड एरिया होता है, बट इट इज़ बाउंड्री इज़ नॉट प्रॉपरली मार्कड और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉरेस्ट्री हो, ग्रेजिंग हो या टिम्बर एक्सट्रैक्शन हो, वो यहाँ पर एलो की जाती हैं जब तक कि वो यहाँ के वाइल्ड लाइफ को इंटरफेयर ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क की। दाचीगाम नेशनल पार्क इज़ 22 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर। इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर और इसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क इन 1981। दाचीगाम नेशनल पार्क बहुत मशहूर है हांगुल के लिए। हांगुल है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल। हांगुल इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं 50 स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़, 20 स्पीशीज़ ऑफ श्रब्स एंड 500 स्पीशीज़ ऑफ हर्ब्स एंड 100 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स बिसाइड्स अदर एनिमल्स। दाचीगाम नेशनल पार्क में ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। देखिए, चाहे हर्ब्स हो, चाहे श्रब्स हो, चाहे ट्रीज़ हो, ये सारे प्लांट्स होते हैं एंड इनके बीच में कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। जो हर्ब्स होते हैं, ये इनका स्टम होता है सॉफ्ट, इनका एक स्टम होता है वो सॉफ्ट होता है, डेलिकेट स्टम होता है। आप उसको ईजली ज़मीन से बाहर निकाल सकते हो। यू कैन ईजली अपरूट ए हर्ब लाइक तुलसी और मिंट। अब अगर आप शब को देखेंगे, ये होते हैं वुडी प्लांट्स, जैसे रोज़ होता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और इसको ज़मीन से आप ईजली नहीं निकाल सकते। जो ट्रीज़ होते हैं, ये होते हैं बिग प्लांट्स, ट्रीज़ होते हैं बिग प्लांट्स, ट्रीज़ जो होते हैं ये बिग प्लांट्स होते हैं। इनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एप्पल है या मैंगो है, इनका होता है वुडी सिस्टम जिसके ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। सो जो दाचीगाम है, यहाँ पर ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं एंड हर्ब्स। नेक्स्ट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981 एंड इसका एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। हेमिस नेशनल पार्क इज़ ए हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क नियर लेह इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन। ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क नियर लेह, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क एंड इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन नॉर्थ ऑफ हिमालयस। अगर हम हिमालयस के नॉर्थ में जाते हैं तो ओनली नेशनल पार्क फाउंड इज़ हेमिस नेशनल पार्क और ये काफ़ी मशहूर है अपने स्नो लिपर्ड्स के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया। सो हेमिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हेमिस नेशनल पार्क जो है, ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है विद एन एरिया ऑफ 4400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इसका ओल्ड नेम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और इसका एरिया है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। सलीम अली नेशनल पार्क को नाम रखा गया है मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर। सलीम अली साहब जो हैं, उनको उनका नाम रखा गया है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली साहब को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनके नाम पर रखा गया है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नाम सलीम अली नेशनल पार्क।
और ये नेशनल पार्क श्रीनगर में है और एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में। सलीम अली नेशनल पार्क फेमस है मसक डियर के लिए और इस पार्क को कन्वर्ट किया गया था रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में फ्रॉम 1998 टू 2001। और ये जानी जाती है अपनी एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज के लिए, स्नोकॉक है, हांगुल, सिर चुकर एंड मुनाल, ये इस सेंचुरी में पाए जाते हैं सलीम अली नेशनल पार्क में जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट इज़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है इट इज़ लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और इसका एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क एस्टैब्लिश की गई थी 4 फरवरी 1981 और ये फेमस है अपने स्नोकॉक एंड ब्राउन बियर के लिए। यहाँ पे पाए जाते हैं 15 मैमल स्पीशीज एंड 50 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा ट्रीज लाइक पाइनस, सिड्रस, द्यूदार एंड एनिमल्स लाइक हांगुल, लिपर्ड, मसक डियर, हिमालयन ब्राउन बियर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये नेशनल पार्क एस्टैब्लिश की गई थी 1981 में और इसका एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ काजीनाग नेशनल पार्क जो कि बारामूला में है, क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल। बारामूला में है काजीनाग नेशनल पार्क और इसका एरिया है 426 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे पाए जाते हैं 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। बिसाइड्स यहाँ पे हैं 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। और काजीनाग नेशनल पार्क फेमस है फॉर मारखोर। मारखोर के लिए फेमस है काजीनाग नेशनल पार्क जो कि बारामूला में है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और इसका एरिया है 426 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सबसे पहले है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया है 10.04 स्क्वायर किलोमीटर। और जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ उज रिवर। उज रिवर का जो बैंक है उस पर सिचुएटेड है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ ऑफ जसरोटा विलेज। जो उज रिवर है ये है ट्रिब्यूटरी रिवर रवि की और उज रिवर निकलती है माउंट कैलाश से। माउंट कैलाश से निकलती है उज रिवर और उज रिवर के बैंक पे हैं जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द पार्क इज डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन। बैम्बूज जो हैं उन्होंने इस एरिया को डोमिनेट किया है, वो यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो पार्क है ये जानी जाती है अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। यहाँ पे पाया जाता है चीतल भी। नेक्स्ट इज़ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और इसका एरिया है 31.50 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे हैं 15 बर्ड स्पीशीज एंड 8 मैमल स्पीशीज। जो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ सिचुएटेड ओनली 6 किलोमीटर फ्राम जम्मू एंड इट्स एरिया इज़ 31.50 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ सिचुएटेड 28 किलोमीटर फ्राम जम्मू और इसका एरिया है 33 स्क्वायर किलोमीटर। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है आफ्टर ए विलेज नंदनी। नंदनी विलेज के नाम पर रखा गया है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम जिसका एरिया है 33 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट इज़ नोन फॉर वंडरफुल स्पीशीज ऑफ पीजेंट्स। ये पीजेंट्स के लिए काफ़ी मशहूर हैं। पीजेंट्स बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा पार्क में हैं 8 मैमल स्पीशीज। मैमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू से 28 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पाए जाते हैं 8 मैमल स्पीशीज। नेक्स्ट इज सुरेंद्र मानसर सेंचुरी। सुरेंद्र मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका नाम रखा गया है दो लेक्स के नाम पर, सुरेंद्र और मानसर, जो इस सेंचुरी के टू कॉर्नर्स पे हैं। इस सेंचुरी के कॉर्नर्स पे हैं सुरेंद्र मानसर लेक, जिनके वजह से इसका नाम रखा गया है सुरेंद्र मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स एरिया इज़ 98.82 स्क्वायर किलोमीटर। इस सेंचुरी में हैं 8 स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। सुरेंद्र मानसर सेंचुरी में 8 स्पीशीज ऑफ मैमल्स हैं एंड 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज़ ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पहलगाम में है एट अ डिस्टेंस ऑफ 76 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर। पार्क का एरिया है 32.27 स्क्वायर किलोमीटर।
इसके अलावा पार्क में पाए जाते हैं 13 रेयर स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड 80 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। पार्क में हैं मैग्निफिसेंट पीजेंट्स लाइक चुकर, कॉकलेस, मोनल एंड हिमालयन स्नोकॉक। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहलगाम में है एंड इट्स एरिया इज 32.27 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज लाइक गुलमर्ग, लिम्बर एंड लचीपुरा। गुलमर्ग जो है ये बारामूला में है, लिम्बर, लचीपुरा, दीज थ्री सेंचुरीज आर इन बारामूला। गुलमर्ग का एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर एंड लचीपुरा सेंचुरी का एरिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर। शुपियन में है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स एरिया इज 341 स्क्वायर किलोमीटर। अनंतनाग में है राज पैरन एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर किलोमीटर। काराकोरम इज़ इन लेह एंड इट्स एरिया इज 5000 स्क्वायर किलोमीटर। छेंग थेंग इज ऑल्सो इन लेह एंड इट्स एरिया इज 4000 स्क्वायर किलोमीटर। गांधरबल में है तजीवस एंड इट्स एरिया इज 2.3 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि रियासी में है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स एरिया इज 31.77 स्क्वायर किलोमीटर। गाइज, वी ऑफन क्विट व्हेन वी आर क्लोज टू अवर गोल, सो प्लीज पुट सम मोर एफर्ट, डू नॉट क्विट इवन इफ यू आर वॉकिंग स्लोली। एज इब्राहिम लिंकन राइटली सेड, आई वॉक्ड स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।